हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, श्री राधा और श्री कृष्ण के लीलाओं से परिपूर्ण है वृंदावन धाम। वृंदावन में हर एक स्थान पर श्री राधा और श्री कृष्ण ने कोई न कोई दिव्य लीला किया है। आज हम बात करेंगे वर्षाने का, मान ग्रह का। इस जगह पर किस प्रकार श्री जी ने मान किया था और किस प्रकार श्री कृष्ण ने मनाया था। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मान ग्रह लीला। एक बार की बात है, श्री राधा ने मान कर लिया था। उस वक्त श्याम सुंदर उनको मनाने लगे। बहुत से उपाय करने के बाद भी श्री राधा नहीं मानी। श्री कृष्ण कभी श्री जी के चरणों में अपना मस्तक रखते और कभी उनको पंखा करते, कभी श्री जी को दर्पण दिखाते तो कभी विनती करते, लेकिन श्री राधा नहीं मान रही थी। उस वक्त श्री कृष्ण ने सखियों का सहारा लिया। इन्हीं लीलाओं के कारण इस जगह का नाम मानगढ़ पड़ गया। यहाँ मान का मतलब है रूठना। ये मान कोई लड़ाई झगड़ा संसार में होती है वैसा नहीं है, बहुत ही आनंद प्रदान करने वाली लीला है, जिसमें श्री जी रूठ जाती है और गोविंद उनको मनाते हैं। कहा जाता है जब श्री राधा रूठ गई और श्री कृष्ण नहीं मना पाए, श्री राधा ने मान करके शिखर पर चढ़ना प्रारंभ कर दिया। जैसे जैसे श्याम सुंदर मनाते जाते, श्री जी शिखर पर चढ़ती जाती और जब श्री जी पूरा ऊपर चढ़ गई, उस वक्त श्याम सुंदर ने सखियों का सहारा लिया। उन्होंने विशाखा जी से और ललिता जी से कहा कि जाओ राधा रानी को मनाओ, हमारी तो सामर्थ्य नहीं है, हम तो थक चुके हैं। श्री ललिता जी और अन्य सखिया जब यहाँ आती है तो वो श्री जी से कहती है आप अपना मान भंग कर दो। श्री जी मना कर देती है। सखी ठाकुर जी के पास नीचे जाती है। ठाकुर जी फिर से सखियों को विनती कर भेज देते हैं, लेकिन श्री राधा का मान भंग नहीं होता। फिर से सखियां नीचे आती है और श्री कृष्ण फिर से विनती कर ऊपर भेज देते हैं। आखिर में सखियां बोली, हे श्री राधे, इस गिरी में हम बहुत बार उतर चुके हैं और ऊपर उठ चुके हैं, हम बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं, आपका तो मान नहीं टूट रहा, इधर आप भगा देती है और उधर से श्याम सुंदर बार बार प्रार्थना करते हैं। सखी कहती है, हे राधे, हम गेंद के जैसे भटक रहे हैं, आप कृपा करें और श्याम सुंदर से जल्दी मिले। ये रात बीती जा रही है। उस वक्त सखिया नीचे उतर जाती है ताकि श्री राधा रानी कन्हैया को स्वीकार कर ले। और फिर जैसे ही सखिया लौटने लगती है, फिर श्याम सुंदर भी आगे बढ़ने लगते हैं। इस प्रकार श्री जी का मान भंग होता है। ये मान मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत पर बना है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।